हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने कुरुक्षेत्र की पेहोवा सीट से भाजपा उम्मीदवार कवलजीत सिंह अजराना से टिकट वापस ले लिया है। दरअसल कवलजीत सिंह अजराना टिकट मिलते ही विवादों में आ गए थे। टिकट मिलते ही सोशल मीडिया पर उनकी पाकिस्तानी आर्मी के साथ फोटो वायरल हो गई थी। इनमें वे पाकिस्तानी अधिकारी के हाथों मिठाई खा रहे थे और आर्मी के साथ ग्रुप फोटो खिंचवा रहे थे। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक अजराना की इन तस्वीरों के बाद बीजेपी के लिए उन्हें चुनाव लड़ाना मुसीबत भरा था। पार्टी के कार्यकर्ता भी इस मुद्दे पर जनता तक बात पहुंचाने में नाकाम हो रहे थे, इसीलिए बीजेपी को यहां पर अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा। कहा जा रहा है कि इसके बाद अजराना पर भी दबाव डाला गया, तब अजराना ने टिकट वापस लौटा दी। अजराना का कहना है कि उन्हें प्रचार के दौरान और पार्टी में विरोध झेलना पड़ रहा है, ऐसी सूरत में वे चुनाव नहीं लड़ सकते, इसीलिए उन्होंने ही पार्टी को चुनाव लड़ने से इनकार किया है। उन्हें भाजपा ने पेहोवा सीट से पूर्व मंत्री संदीप सिंह की टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया था। आपको बता दें, भाजपा से टिकट मिलने के बाद कवलदीप सिंह अजराना का एक 24 सेकंड का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी को सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री कह रहे थे। वायरल वीडियो में अजराना ने पीएम मोदी के बारे में कहा था, लगता था कि ये बंदा कुछ न कुछ करेगा, उनकी बातों और लच्छेदार भाषण में आकर हमने उन्हें देश का प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन दुख की बात है कि आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए उनमें सबसे निकम्मा कोई प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। कवलजीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले पर जानकारी दी। उन्होंने कहा, भाजपा ने मुझ पर विश्वास जताकर टिकट दिया, उसके लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार है। छोटे से कार्यकर्ता को बहुत बड़ा मान दिया है। इसके बाद मैं लोगों के बीच प्रचार में गया। जो लोग टिकट मांगने के लिए दिल्ली गए हुए थे वे भी मुझे मिले। टिकट के दावेदारों ने ये बात कही थी कि अगर किसी भी भाई को टिकट मिलता है तो सब उसका साथ देंगे। हम खुद को कार्यकर्ता तभी कह सकते हैं जो पार्टी हमें निर्देश देती है उसे अनुसरण करें। प्रचार के दौरान हमारे सरपंच भाइयों या फिर लोगों ने भी विरोध किया और टिकट बदलने की मांग की। नेताओं ने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे। आपको बता दें कि उनका कहना है कि सिख चेहरों ने सबसे ज्यादा मेरा विरोध किया है। मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल सिख कौम की सेवा को दिए हैं। 8 सितंबर को सिख सम्मेलन हुआ है जहां बड़ी बड़ी बातें हुई कि हमारे लोगों को विधानसभा और लोकसभा में भेजो, लेकिन जब मेरा टिकट आया तो सिख कौम के नेताओं के सुर ही बदल गए, जिसका मुझे दुख हुआ। मैं अमृतधारी सिख हूँ और अपनी कौम को समर्पित हूँ। जब मेरे बारे में ऐसी बातें की तो मुझे दुख हुआ, जिससे आहत होकर मैंने हाईकमान को टिकट वापस लेने का आग्रह कर दिया है। मैं पार्टी सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। मैं मैदान छोड़कर नहीं भाग रहा। मुझे ठेस पहुंची है, इसीलिए ये कदम उठाना पड़ा। हाईकमान ने मुझे मनाने का प्रयास भी किया है, लेकिन मेरे भाई मेरे खिलाफ खड़े हैं, तो मैं ऐसे माहौल में चुनाव नहीं लड़ सकता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।